हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अंगद, इंदर और साहिबा सिमरन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे होंगे। तभी डॉक्टर बराज के कहेंगे कि सिमरन के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। साहिबा कहती है कि हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टर कहते हैं कि नो वरीज, आई चेक इट आउट। डॉक्टर्स तभी वहां से चले जाते हैं। नर्स साहिबा को फॉर्म देती है और वो उसे भरने के लिए कहती है, लेकिन वो साहिबा फॉर्म ले जाकर के इंदर को हवाले कर देती है। जसलीन आती है और गुड मॉर्निंग कहती है सबको। जसलीन बाद में समझ जाती है कि सिमरन किडनैप हो गई है और ये न्यूज़ सुनकर के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद यहाँ पर कॉल करेगा दार्जिक और बताएगा कि सिचुएशन क्या है सिमरन की। सीधा इन लोगों की बातें सुनेगी और सोचेगी कि मैं बात करती हूँ अंगद से। साहिबा यहाँ देखेगी कि अंगद भी इंजर्ड है और वो कहती है कि लाओ मैं तुम्हें बैंडेज कर देती हूँ, और अंगद मान जाता है। इधर अंगद सोचेगा कि आखिर किडनैपर्स को सिमरन मिली कैसे घर से, वो भी बिना किसी के नोटिस किए हुए। साहिबा यहाँ पर रिकॉल करती है कि कैसे उसने मनवीर को प्रॉमिस किया है कि वो किसी को नहीं बताएगी, इसलिए वो चुप रहती है। यहाँ पर सीरत कॉल करने वाली है अंगद को, लेकिन अंगद उसका कॉल पिक नहीं करेगा, जिसके बाद सीरत सोचती हुई नज़र आएगी कि अंगद मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा, कहीं उस दिन मैंने अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था, इसी के चलते वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा। तभी जसलीन आएगी वापस और कहेगी कि क्या हुआ, अच्छा ये बताओ तुम उस दिन पार्टी से घर कैसे लौटी। तभी सीरत कहती है कि मैंने अंगद को कॉल किया था, उन्होंने मुझे घर छोड़ा। जसलीन तभी कमेंट करती है कि आदमी जो होते हैं ना, उन्हें आसानी से मिली चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जसलीन कहती है सीरत से कि तुम्हें अंगद के लिए ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए यही रीज़न है कि वो तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता। जसलीन यहाँ पर अपना चार्जर लेती है और सीरत को भड़काने के बाद चली जाती है। सीरत सोचती है कि क्या मैंने अपनी फीलिंग्स अंगद को बता कर के गलती कर दी, इसीलिए वो मुझे अवॉइड कर रहा है। इधर इंदर डॉक्टर्स से पूछता है कि अब कैसी है सिमरन। डॉक्टर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि हम उनके मेडिकल टेस्ट का वेट कर रहे हैं, हमने टेस्ट कर लिए हैं, रिपोर्ट आएगी तो कुछ बोलेंगे। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अंगद यहां पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और इंदर भी यहां पर बहुत ही ज़्यादा शर्म में डूबा जा रहा है। वह सोचता है कि भगवान ने मुझे ये सजा दी है मेरे किए की, जो कुछ मैंने पुराने पास्ट में किया है सब कुछ गंदा, सबके साथ उसकी सज़ा है। इंदर कहता है कि मैंने कैसे पास्ट में हमेशा से एक दूसरे को यूज़ किया है, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करी। और वो साहिबा से कहता है कि बेटा लेकिन तुम थी जिसने मुझे बदलने के लिए हमेशा एनकरेज किया और मुझे सिमरन के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत दी। साहिब अंदर से कहती है कि आप ऐसा मत बोलिए। तब इंदर कहता है कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हारा और अंगद का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। तभी साहिबा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा नेगेटिव मत बोलिए। इंदर तभी अंगद के सामने साहिबा की तारीफ़ करता है और अंगद को भी यहाँ पर प्रेज करता है। वो कहता है कि बेटा साहिबा जैसी बीवी तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकती, ये हीरा है हीरा। इंदर यहाँ सिमरन को देखता है और वो कहती है कि लेकिन सिमरन मेरी बेटी ये डिज़र्व नहीं करती, मैंने जो कुछ बुरे काम किए हैं उसकी सज़ा वो क्यों भुगतें। सिमरन के बारे में सोच सोच कर इंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। साहिबा देखेगी कि सिमरन को होश आ गया है और वो बेहोशी से उठाई है, तभी वो इंदर को इसके बारे में बताती है। सिमरन इंदर अंगद और साहिबा का नाम दोहराती है। साहिब इंदर से कहती है कि सिमरन वापस से बेहोश हो गई। डॉक्टर से इसके बारे में वो पूछते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं जाता हूँ चेक करके बताता हूँ। इधर इंस्पेक्टर बरार मेंशन पहुँचते हैं और कहते हैं बरार से कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि जो किडनैपर्स के हमने बयान लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ही के फैमिली में से कोई औरत थी जिसने सिमरन को खुद किडनैपर्स को सौंपा था। मनवीर ये सुनकर के बहुत ज़्यादा वरिड होती है और तब इंस्पेक्टर की नज़र पड़ती है मनवीर पर और वो कहते हैं कि आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, इधर आइए, क्या आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं हैं। और मनवीर हिचकिचाते हुए आती है और यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। और कल रात के एपिसोड में वही रिकैप दिखाया जाएगा जिसमें सेम डॉक्टर बताते हैं सिमरन की हालत के बारे में, साहिबा के मेडिकल कंडीशन के बारे में, यही सब सेम रिकैप दिखाया जाएगा। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।